राइट टू वाटर मध्य प्रदेश में जो प्रक्रिया चल रही है, इसको किस तरह देखते हैं? ये बहुत अच्छा कदम है। इतिहास में हमेशा कमलनाथ का नाम रहेगा, क्योंकि अभी तक इंडिया के बाद छोड़ो, पूरा दुनिया में 4-5 कंट्रीज भी ये वाटर राइट पब्लिक को नहीं दिया। ये पहला गवर्नमेंट है यहाँ इंडिया में जब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वाटर राइट को रिकॉग्नाइज़ किया, सस्टेनेबल यूज़ को लिए, ये कंजर्वेशन के लिए ये वाटर राइट का ज़रूरत है। जो इंडिपेंडेंस आने के 70 साल के बाद जो पहला प्रयत्न किया ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जो ड्राफ्ट में मैं देखा था इसमें बहुत अच्छा प्रोविजंस है। ये आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को सब स्टेट्स फॉलो करता, ये तेलंगाना को भी मैं ये ड्राफ्ट लेके जा रहा हूँ हमारा मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बता के, वो वाटर राइट का एक्ट हमारा तेलंगाना में भी वो कानून बनाना बोल के मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। मध्य प्रदेश में को किस तरह से प्रोविजंस हैं जो राइट टू वाटर हर व्यक्ति को अधिकार मिलेगा जल का? या सो ये सेंटर से लेकर, ये स्टेट गवर्नमेंट से लेकर गांवों तक ये लोकल बॉडीज को अधिकार दे रहे हैं। हाँ, अभी चर्चा जारी है, असेंबली में बहुत चर्चा होता है इसके बारे में। पहले क्या है, जो आदमी का ज़मीन पे पानी है वो पानी वो ज़मीन वाले का है, पूरा विश्व में ऐसी मानता है, मगर ये एक्ट आने के बाद जहाँ भी पानी रहने दो वो पब्लिक का रहता, वो पानी को प्रोटेक्शन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता। वो पानी को अवेयरनेस करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो कदम उठाया सबसे अच्छा कदम है। एक नदियों के पुनर्जीवीकरण की बात भी हो रही है, या नदी को पुनर्जीवन करना बोले तो पहले नदी का बाउंड्रीज फिक्स करना है। आजकल बहुत एंक्रोचमेंट हो रहे हैं, ये राइट एक्ट आने के बाद कोई एंक्रोच नहीं कर सकते और कोई पोल्यूट नहीं कर सकते, कोई पोल्यूट नहीं कर सकते। ये दो चीज़ों में ये एक्ट बहुत उपलब्ध है। और क्या है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए ये ओवर एक्सप्लाइटेशन को बंद करना है, ये राइट आने के बाद वो भी कर सकते। सो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ द एफर्ट्स ऑफ कमलनाथ। आने वाले दिनों में कमलनाथ का जो मॉडल अब एक्ट बना रहे ना, पूरा देश फॉलो करते। थैंक यू। ये प्रकाश राव जी का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार जो एक्ट बनाने जा रही है इसको ये दुनिया में पहली तरह का एक्ट बनेगा जो राइट टू वाटर भी उपलब्ध कराएगा सबको, जनता को अधिकार उपलब्ध कराएगा, साथ ही नदियों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में भी सबसे बेहतर कदम उठाने जा रहा है। और ये जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं इस मामले में निश्चित तौर से देश और दुनिया के आदर्श बनने जा रहे हैं। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।